हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी डबल तीरा लगाना आसान और सरल तरीका। तो जैसे देखिए, आप पहले अपने ब्लाउज को सिल लेते हैं। जैसे ये प्लेट है, वो आपको पहले प्लेट डालनी। देखिए प्लेट है किस तरीके से डाली जाती है। यहाँ पे ये निशान लगे हुए हैं, तो इसको देखिए हम इस तरीके से डबल लेंगे। डबल करके ले लिया। अब हमने यहाँ पे ले लिया आधा इंच, और इसको देखिए कम करते हुए इस तरीके से हमें उतार। अब यहाँ पे इसको भी डबल करना। अब यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है नीचे की साइड, और इसको भी हमें कम करते हुए उतारना। यहाँ पे भी देखिए हमें 1 इंच लेना है। अगर आपका सीना कम है तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच से थोड़ा सा कम, आधा इंच, आधा 1 इंच से थोड़ा सा कम। प्लेट को आपको धीरे धीरे करके ही उतारना है शेप में। अब यहाँ पे भी हमें इस तरीके से लेना है, और आधा इंच लेंगे और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। और रुमल वाली जो प्लेट है उसको भी आधा इंच लेना है, और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने चारों प्लेट डाल ली। अब जैसे हमें डबल तीरा लगाना है, तो देखिए हमें पहले यहाँ पे अपनी लंबाई नापनी है, कितनी हमें यहाँ पे लंबाई रखनी है। देखिए जैसे तीरे की जो यहाँ पे कपड़े की जो लंबाई है तीरे की, वो ज्यादा है, तो देखिए इस तरीके से हमें डबल तीरा लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप अपनी लंबाई नाप लें पहले कि हमें कितनी लंबाई रखनी है ब्लाउज की। जैसे हमें ब्लाउज की लंबाई रखनी है 14 इंच, तो यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। तो पहले हमें यहाँ पे देखिए कटिंग करनी है। तो अगर हम इसको ऐसे गोलाई में कटिंग करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें दूसरा कपड़ा लगा लेंगे। अगर इसका जो ब्लाउज का कपड़ा वो मिल जाए तो उसको लगा लेंगे, अगर वो कपड़ा नहीं है तो हम इसमें दूसरा कपड़ा लगा लेंगे। इस तरीके से हमने दो पट्टियां ले ली, और इसको बराबर कर लें पहले, छोटी बड़ी हो रही है। अब देखिए हमें एक पट्टी लेनी है। जैसे हमारा ये ऊपर वाला तीरा है, तो इसको देखिए हमें इस तरीके से जोड़ना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पट्टी रखेंगे हम, एक पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है, जोड़ना है। अब देखिए इसको ऐसे करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे अपनी लंबाई रखना चाहते हैं 14 इंच, तो यहाँ पे 14.5 इंच हो रहा है। देखिए हमने इसको ऐसे रख लिया है, अब कटिंग कर लेंगे। अब दूसरा जो तीरा है उसको भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे पहले, क्योंकि दोनों पल्लर हमारे बराबर होने चाहिए। देखिए दोनों पल्लर हमारे बराबर है, यहाँ पे छोटा बड़ा है वो काट लेंगे। देखिए इसको ऐसे रखना है इस तरीके से, और सिलाई लगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें तुरपाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये डबल तीरा लग के तैयार है। और दूसरा जो पल्लर है उसको भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे, और ऐसे ही तीरा लगाएंगे। पहले प्लेट डालेंगे, उसके बाद तीरा लगाएंगे। तो आशा करती हूँ जैसे आपने बोला था कि डबल तीरा कैसे लगाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कुछ और पूछना या सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।